और इस वक्त अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के एडवाइजर डॉक्टर एनएन खन्ना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर खन्ना से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कई राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत की शिकायत तो की है। जैसा कि अभी प्रतीक भी बता रहे थे कि गुजरात ने भी ये कहा है कि 4-5 दिन की वैक्सीन और हमारे पास का स्टॉक है और वैक्सीन की और सप्लाई करनी होगी। दिल्ली और महाराष्ट्र ने कहा है कि वैक्सीन की कमी है। राजस्थान और पंजाब में भी वैक्सीन की कमी की बात सामने आई है। देश में अभी 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज का स्टॉक है। केंद्र सरकार ने 2,75,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है, तो वैक्सीन की कमी की भरपाई जल्द से जल्द हो, इसके लिए सरकारों की तरफ से कोशिशें जारी हैं और राज्यों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन की डोजेस की सप्लाई जो है वो कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में वैक्सीन की कमी जो है वो सामने ना आए। डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर खन्ना, मुझे याद है 3-4 दिन पहले आप ही से बात हो रही थी तो आपने ये आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जल्द ही 1.5 लाख की संख्या को पार कर सकता है। अब आप देखिए संक्रमण के जो केसेस हैं वो 1.5 लाख को पार कर गए हैं। आपको क्या लगता है वैक्सीन की रफ्तार को हमें और कितना ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा, वैक्सीनेशन को कितनी तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्या आप सोचते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन तो एक पैरेलल ड्राइव है जो कि ऑलमोस्ट वॉर फुटिंग पे चलनी चाहिए। 24 घंटे वैक्सीनेशन होना चाहिए पूरी कंट्री में। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसका असर जो है आज से आने वाले 2-3 महीने बाद दिखेगा, प्रोटेक्शन आएगा। ज्यादा जरूरी यह है कि इस समय जो हमने लास्ट ईयर इस समय एहतियात बरते थे, जो हमने प्रिकॉशन लिए थे, जो सेल्फ क्वारंटीन करी थी, जो सेल्फ डिसिप्लिन लाए थे, वो लाना बहुत जरूरी है। और जहां ये पॉसिबल नहीं है वहां सरकार को या अथॉरिटीज को ये इंश्योर करना पड़ेगा जब तक ये क्राइसिस टाइड ओवर नहीं होती। वैक्सीनेशन का असर आते आते 2 महीना लगेगा और कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीनेशन 24 आवर्स चलना चाहिए और बिल्कुल वॉर फुटिंग पे चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से 45 के ऊपर तो लगी रहा है, जो यंग स्प्रेडर्स हैं जी 30 से 45 के बीच में, उनको भी एक पैरेलल ड्राइव होना चाहिए और उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन 45 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन इस वक्त हो रहा है, वो एलिजिबल हैं क्या? वो भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं या अभी भी लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंकाएं हैं? थोड़ी शंकाएं जरूर हैं, वैक्सीन हेसिटेंसी है, बट धीरे धीरे ये दूर हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवाई, लोगों को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए ये कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत कम है या नहीं के बराबर है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। और मीडिया को, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये रबिश न्यूज जो चलती है वैक्सीन के बारे में वो सबको कंडम करना चाहिए। वैक्सीन की हेजिटेंसी हम ही लोग दूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट दूर नहीं कर सकती। ये डॉक्टर खन्ना, ये बात तो सही है ना कि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली तो जान जाने का खतरा कोरोना होने के बाद भी बहुत हद तक कम हो जाता है, ये बात तो बतानी चाहिए लोगों को। बहुत हद तक कम हो जाता है सीरियस डिजीज और जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। आप देखो इतनी न्यूज चल रही है कि इतने डॉक्टर्स को, इतने लोगों को वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो गया, लेकिन अगर उसमें आप रियली एनालाइज करो सीरियस डिजीज बहुत कम को हुई है, और अगर ये वैक्सीन नहीं लगती तो क्या हाल होता। डॉक्टर अग्रवाल, इस बात को समझाने की कितनी जरूरत है इस वक्त उन लोगों को जिनके मन में शंकाएं अभी भी वैक्सीन को लेकर? नहीं, बिल्कुल, जो जो जिनको हेजिटेंसी है उनको कन्विंस तो करने की जरूरत है ही है समीर जी। और उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि इसमें पॉलिटिशियंस कह लीजिए, जो एनजीओज वाले हैं, जो भी हेल्थ अथॉरिटीज हैं, इनको जुड़ना पड़ेगा। हाँ। आपको इस मुहिम को तेज करने के लिए एक नए एंगल से हर एक चीज को देखना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। अदरवाइज अगले 5-6 दिन में समझ में आएगा कि लोग कितना वापस आना चाहते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन लोगों को अपील करनी पड़ेगी, आपके चैनल के जरिए, दूसरी चैनल्स के जरिए, ये सब हम लोगों की, जैसे डॉक्टर खन्ना ने बोला कि सब लोगों की जिम्मेवारी है। सही बात। और उसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए, खासतौर पे जो सेलिब्रिटीज हैं जो कि वैक्सीन लगवा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आकर अपील करना चाहिए। सही आप कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।